goal is optimum physical competence, then all the general physical skills must be considered. Cardiovascular endurance, the ability of body system to gather, process and deliver oxygen. Second, stamina, the ability of body system to process, deliver, store and utilize energy. Third, strength, the ability of a muscular unit or combination of muscular units to apply force. Fourth, flexibility, the ability to maximize the range of motion at a given joint. And fifth, power, the ability of a muscular unit or combination of muscular units to apply maximum force in minimum time. Six, speed, the ability to minimize the cycle of a repeated movement. Seven, coordination, the ability to combine several distinct movement patterns into singular distinct. Eighth, agility, the ability to minimize transition time from one movement pattern to another. Ninth, balance, the ability to control the placement of the body's center of gravity in relation to its support space. 10th, accuracy, the ability to control movement in a given direction or at a given intensity. तो हेलो, हाय, नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आई नो, देख के बता सकते हो कि आप लोग अभी शाम हो रहा है। यस, आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मुझे जनरली कुछ था नहीं करने के लिए। सुबह रनिंग जाना था, बट ऑब्वियसली मैं लेट उठा था तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। एंड लेट हो जाता है तो एज यू नो गर्मी इतनी चल रही है, तो उसकी वजह से मैं गया नहीं। और उठा, उठने के बाद फिर थोड़ा खाना वाना, नाश्ता वास्ता जो भी करना था सब किया। फिर थोड़ा रीडिंग किया, अच्छा खासा रीडिंग भी हुआ, मज़ा आ रहा है। लास्ट टाइम इतना पढ़ने में मज़ा मेरे को कब आया तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो भी मतलब नॉलेजेबल बुक्स ऐसा, तो मज़ा ही आ रहा है रीड करने। और अभी हम जा रहे हैं एक जगह पर। यस, तो मैं खुश हूँ। ऑब्वियसली तुम लोगों को मालूम पड़ जाएगा मैं क्यों खुश हूँ। तो लेट जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड जस्ट गो एंड हैव सम फन। तो बेसिकली आज ही खुशी की बात है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद आज जिम करेंगे। हाउ डज इट फील? मेरे को भी अपने नोकिया फोन में फीचर दे। नोकिया नहीं है वो, ठीक है ना, मोटोरोला है। तो यही है। और आज चेस्ट एंड बैक थैंक यू लाइक माई प्रॉब्लम्स। तो वही है, आज चेस्ट और बैक मारना। तो जस्ट स्टार्ट, खुश हूँ मैं आज बहुत। तो अभी हम लोग मारने वाले हैं बैक और चेस्ट। तो बेसिकली ज़्यादा नहीं, 3 दिन से और दो एक्सरसाइज। बेसिकली मेरे को और बोलने का मन था लेकिन अंकल सीधा सर पर खड़े हो गए, तो मैं बोला मार लेता हूँ जल्दी से। वही है, तो बेसिकली दो एक्सरसाइज मारेंगे दूसरे मसल पार्ट्स के भी। और मैंने लैट पुल डाउन मार लिया था ऑलरेडी लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था। और बाय द वे, ये निधि के फ़ोन से बना रहे, तो थैंक यू तुम्हारी, कुछ तो काम आई जल्दी। तो ऐसा होता है, मतलब आप जो एक्सरसाइज मार रहे होते, इफ़ यू हैव अ पार्टनर तो टेल देम टू लाइक टच योर मसल, सो ज़्यादा वो माइंड मसल कनेक्शन हो, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ओनली। ऐसे बस टच करना और ताकि उसको भी फिर फील होता है कि हाँ इट्स वर्किंग। तो ट्राई इट आउट एंड इट वुड बी अ लॉट बेटर इफ योर पार्टनर इज अ गर्ल एंड ही इज टेलिंग मी टू डू दैट। Let's touch his back. Yeah,
इतना बहुत पंप आया। Let me show you what you're missing. ये गाना ना सुनने में अच्छा लगता है, इसका लिरिक्स समझोगे ना तब तुम्हें समझेगा। हाउ ब्रेकिंग इट इज, एक ही बंदा अच्छे से कर रहा है अच्छे से। मैं ब्लॉक कर रही हूं, चल मार ओए टाइम पास मार। तो अभी सेकंड चेस्ट एक्सरसाइज जो है फ्लाइज मारेंगे एंड रेंज वही 10-12 का मैक्स जितना मार सकते हैं। गाना का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया अचानक से। देख अभी एक पंप हुआ जो नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता है, देख सच कर साइड है कि नहीं पता। हाँ इन योर ड्रीम बोलना सच्ची, पंप आया कि नहीं आया है ना क्या? हाँ मजा आ गया, तू दिखा भाई चेस्ट का हो गया एंड अभी क्या करना है? एब्स करना है। एब्स में क्या होता है? ट्राइसेप मारो, बाइसेप मारो। हाँ गाइस जेलस है मेरे से, जेलस क्योंकि मैं रोज मैं कार्डियो करने जाता हूँ ना, तो जेलस हो गई है मेरे से ये बंदी। तो अभी जस्ट वर्कआउट हुआ एंड वर्कआउट अच्छा गया, ज़्यादा नहीं किया बस चेस्ट और बैक मारा, उससे ज़्यादा किया ही नहीं। और वही है फिर इतने टाइम बाद करूँगा और ज़्यादा सोटनेस हो जाएगा, तो उससे किया नहीं ज़्यादा। लेकिन मज़ा आया यार, इतने टाइम बाद जिम करके आया है, जो पंप आया फील हुआ ना बहुत मज़ा आया। तो अभी वही है मेम्बरशिप का तो सोचा नहीं है, वही जो एफिडेविट और ये नोटरी का सीन है तो वो होएगा, तो उस हिसाब से होगा। अगर 3-4 महीने का बोल रहा है तो हम मतलब ग्रुप में सोच रहे हैं कि पूरा ऐसा फिट पास ले लेते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी पड़ रहा है और लाइक कन्वीनियंट भी पड़ रहा है अगर होता है तो, नहीं तो फिर बाद में कहीं ईयरली लेना पड़ेगा ऐसा सीन है। तो बस यही है और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग नहीं खत्म करते। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।